हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पाम 8403 आईसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको कनेक्शन करने के लिए बताएंगे कैसे कनेक्शन होगा और आपको बताएंगे कि कैसे कैसे होगा। तो आप इधर आ जाइए और हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा एल टी और आर, और यहां पर 5 वोल्ट देखने को मिल जाएगा प्लस और माइनस। यानी कि आप यहां पर प्लस और यहां पे 5 वोल्ट के पास आपको ये जो प्लस देखने को मिल जाता है, यहां पर आप प्लस कनेक्ट कर सकते हो। 3 से 5 वोल्ट तक का बैटरी दे सकते हो, जो कि एक अच्छा बैटरी हो सकता है, क्योंकि ये आपको एम्पलीफायर बोर्ड है फ्रेंड्स। अगर आपको एम्पलीफायर बनाना हो, छोटा सा ब्लूटूथ मिनी स्पीकर जो कि बनाना होता है बहुत सारे दोस्तों को, तो आप लोग बना सकते हो। और यहाँ पर आप जो आपके ब्लूटूथ से 3 टांगे निकलेंगी, जो उस पे भी LR LTR लिखा होगा, लेफ्ट राइट, और यहाँ पर टी पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये ग्राउंड के लिए यूज किया जाता है। अगर यहाँ पर आप ग्राउंड भी दे देते हो यहाँ से उठा के, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर ये खाली भी छोड़ देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ये यहाँ पर एल देखने को मिल जाता है, एल मतलब लेफ्ट चैनल। यहाँ पर आप 2 5-5 वॉट के कनेक्ट कर सकते हो स्पीकर, जो कि छोटे छोटे बूफर वाले स्पीकर आते हैं, वो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से एक चैनल से आपको 3 वॉट का आउटपुट देखने को मिल जाता है, जो कि एक छोटा सा स्पीकर बनाने के लिए ठीक होता है। यहाँ पर 3 × 6 वॉट का स्पीकर आप मतलब 2-2 लगा सकते हो, 2 स्पीकर आप कनेक्ट कर सकते हो। और आप चाहे तो एक ब्लूटूथ पैनल भी देखने को मिल जाता है छोटा सा, आप मिलता है वो 100 रुपए वाला, तो आप उससे बहुत सारी चीज FM वगैरह भी चला सकते हो, जो कि हमारे पास अभी है नहीं, जिसका वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा हमारे इस चैनल पे। और एक छोटा सा ब्लूटूथ वाला किट भी देखने को मिल जाता है, वो भी आपको एक अच्छा ही चीज होता है, जो कि आपको देखने को अथू नहीं मिलेगा। आप किसी भी एक डब्बा में बना सकते हो जिसमें सिर्फ ब्लूटूथ होगा, और ब्लूटूथ आजकल फ्रेंड्स ट्रेंड में है, और कोई आजकल ऑक्स का यूज कर नहीं रहा है, और FM से भी तो चलता है वो बड़ा वाला पैनल। जो कि आपके तरफ कितने का मिलता है आप कमेंट में बताइएगा, मेरे तरफ तो वो 100 रुपए का इजिली अवेलेबल हो जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मैं और इसमें एक एम्पलीफायर भी मैं इसको यूज करके बनाने वाला हूँ, और ये मेरा 18650 का लिथियम आयन बैटरी है, जो कि इसके लिए इनफ होता है। और ये देख सकते हो एक फोन का स्पीकर, मैं पूरी तरह से वेस्ट मटेरियल का यूज करने वाला हूँ, जो कि ये मैंने लैपटॉप के बैटरी से निकाला हुआ है, और लैपटॉप के बैटरी में इजिली मिल जाता है। अगर आप लैपटॉप का बैटरी तोड़ोगे, मतलब आप ऐसे दुकान पे जाओगे लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप पे, और आप बोलोगे कि हमको लैपटॉप का बैटरी चाहिए, तो ये आपको इजिली दे देगा बड़ा सा बैटरी, और ये आपको ऐसा नहीं देगा। आपको एक बड़ा सा बैटरी जो कि होता है फ्रेंड्स, लैपटॉप का बैटरी आप देखे होंगे, तो फ्रेंड्स उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान से तोड़िएगा, वो पंचर हो जाएगा तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है आपके लिए, ये आग वाग भी लग सकता है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से तोड़िएगा, और ये मैंने आपको बताया था इजिली तरीका, आपके तरफ मतलब 50 रुपए 100 रुपए तक मिल जाएगा। तो मैंने इसको खरीदा था, मैंने को तो फ्री में मिला था, और मेरे दोस्त का लैपटॉप का रिपेयरिंग शॉप है, तो मैंने वहीं से लिया था। तो फ्रेंड्स ये आप ले सकते हो। और फ्रेंड्स अगर आप इसको एक ऐसे खरीदने जाओ दुकान पे, तो आपको एक बैटरी के 100 रुपए देने पड़ सकते हैं। फ्रेंड्स अगर 100 रुपए का खरीदते हो आप, तो उसमें करीब 5 से 6 बैटरी होता है। मान लीजिए आप 5 का होता है एक, और एक खराब हुआ, तो आप 100 रुपए में 4 बैटरी ले सकते हो। और आपके पास मल्टीमीटर होगा तो आप चेक भी कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपको मल्टीमीटर का यूज नहीं करने आता हो, तो वो भी आप बता सकते हो कमेंट में, मैं उसको भी उसपे भी आपको एक वीडियो देखने को दे दूंगा, और जो जिससे आप इजिली मल्टीमीटर यूज करना भी सीख जाओगे। और फ्रेंड्स यही था हमारा वीडियो, और इससे हम आपको एक वीडियो भी देंगे एम्पलीफायर बनाकर दिखाएंगे, और आप देख भी सकते हो कि कैसे बन रहा है। और इसमें बनाने में फ्रेंड्स कोई भी ज्यादा तामझाम नहीं होता है, आप इजिली इसको बना सकते हो। और ऐसा ही था फ्रेंड्स, यही था हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।